हे गाइस स्टूडेंट नोट्स में आपका स्वागत है ये एडवर्टाइजिंग सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है अगर आपको सीरीज़ की सारी वीडियोस चाहिए तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी के फीचर के बारे में लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की इस वीडियो सीरीज़ के जितने भी हमने नोट्स बनाए हैं उसकी हमने एक पी बुक भी बनाई है तो अगर आपको ये सारी सीरीज़ अच्छी लगती है और अगर आप इसकी बुक खरीदना चाहते हैं उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ आप ये देख सकते हैं कि कैसे आप हमारे इस बुक को खरीद सकते हैं इस बुक को काफ़ी इजी और सिंपल लैंग्वेज में बनाया गया है विद एग्जांपल ताकि आप अपने सारे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकें तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ये पांच फीचर्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं तो चलिए वन बाय वन इन्हें हम डिटेल में स्टडी करते हैं सबसे पहला है इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इंडिपेंडेंटली काम करती है एडवर्टाइज़र जिसका कोई प्रोडक्ट सर्विस या आइडिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एडवर्टाइज़र एजेंसी के साथ कि वो उसके लिए एक एडवर्टीजमेंट बनाए रिटर्न में एडवर्टाइजिंग एजेंसी उसके लिए एडवर्टाइजमेंट बनाती है जिसमें वो ज़्यादा फोकस देते हैं मैसेज पे कि एक अच्छा इन्फ्लुएंसिंग मैसेज हो जो कि अच्छे से अवेयर करे एडवर्टाइज़र के प्रोडक्ट के बारे में उस एडवर्टीजमेंट में अच्छी क्रिएटिविटी और क्वालिटी हो अगर किसी पॉइंट पे एडवर्टाइजिंग एजेंसी को किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो वो उसे कंपनी से मांग लेती है एजेंसी एडवर्टाइज़र के लिए मैसेज क्रिएट करती है मतलब एक एडवर्टीज़मेंट बनाती है और बदले में उस एजेंसी को एडवर्टाइज़र पे करता है सेकेंड पॉइंट है इट वर्क्स फ़ॉर एडवर्टाइज़र पर्पस क्या होता है एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी इस्टेब्लिश करने का ताकि वो एडवर्टाइज़र के लिए एडवर्टीजमेंट बना पाए एडवरटाइजिंग एजेंसी हेल्प करती है एडवरटाइज़र की एक अच्छा मैसेज क्रिएट और डिलीवर करने के लिए टारगेट कस्टमर को इसके साथ साथ नए कस्टमर क्रिएट करने के लिए कंपनी की ब्रांड इमेज और अच्छी बनाने के लिए और उसकी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का जो मेनली काम होता है वो यही होता है कि वो अपनी सर्विसेज एडवर्टाइज़र को प्रोवाइड कराएगा एडवर्टाइजिंग बना के थर्ड पॉइंट है कम्पोज ऑफ क्रिएटिव पीपल तो जो भी हमारे क्रिएटिव पीपल होते हैं उसका एक संग्रह होता है क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग एडवर्टाइजिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क एडवरटाइजिंग बनाना और डिलीवर करना कोई आसान काम नहीं होता है एजेंसी को इसके लिए एडवरटाइजिंग के हर एस्पेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज चाहिए कौन कौन सी एडवरटाइजिंग टेक्निक्स हैं मीडिया कौन कौन से अवेलेबल हैं अगर मीडिया में टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं उन सब के बारे में अवेयर रहना ताकि एजेंसी अपने हर काम में अच्छी तरह से पॉलिश हो सके तो इसके लिए कंपनी को प्रोफेशनल और एक्सपर्ट पर्सनस की हेल्प की ज़रूरत होती है जिसमें कुछ राइटर्स होते हैं जो स्टोरी लिखते हैं एडवर्टाइजिंग की आर्टिस्ट होते हैं कोई पर्सनैलिटीज़ जैसे शाहरुख खान धोनी विराट कोहली रणवीर सिंह रणबीर कपूर इनके साथ एक टइप बना के रखना मार्केट एनालिस्ट जो कि मार्केट के इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें और रिसर्चर तो इस तरह से प्रोफेशनल और एक्सपर्ट पर्सन का ये एक कोलेक्टिव ग्रुप होता है फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज। एडवर्टाइजिंग एजेंसी कभी भी एक सर्विस नहीं देती है उनकी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज होती है अब ये एडवर्टाइज़र पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी सर्विस लेना चाहता है किसी एक पर्टिकुलर सर्विस को सिलेक्ट करता है या फिर कलेक्टिवली जितने भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी ही उनसे करवाना चाहता है ये कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है जब भी एक एग्रीमेंट दोनों के बीच में क्रिएट होता है कि कौन कौन सी सर्विसेज एडवर्टाइजिंग एजेंसी देने वाली है और उसके लिए कितना पेमेंट करना है एडवर्टाइज़र को तो ये सर्विसेज स्टार्ट होती हैं जब कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी किसी एडवर्टीज़मेंट को बनाती है उसके बाद उस एडवर्टीजमेंट को एग्जीक्यूट करती है मार्केट में लॉन्च करती है उससे पहले एनालाइज़ करती है कि कौन सा अप्रोप्रिएट मीडिया और टाइम रहेगा जितने भी हमारे पास मीडिया है न्यूज़पेपर टेलीविज़न इंटरनेट के जितने भी पोर्टल्स हैं हमारे पास उन सब मीडिया का एनालाइज करेगी बजट के अकॉर्डिंग टारगेट कस्टमर के अकॉर्डिंग कौन सा मीडिया सही रहेगा किस टाइम पे हमें उस एडवर्टीज़मेंट को दिखाना है ये एनालाइज़ करने के बाद वो एग्जीक्यूट कर देगा उस एडवर्टीजमेंट को कि इस मीडिया और इस टाइम पर आपने इस एडवर्टीज़मेंट को दिखाना है इसके बाद मैसेज को फॉलो अप करना और मेजरिंग करना एडवर्टाइजिंग मैसेज की इफ़ेक्टिवनेस को जब हमने सबसे पहले हमने अपनी एडवर्टीजमेंट को प्रपेयर किया उसके बाद उसे एग्जीक्यूट कर दिया लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले हमने ये एनालाइज़ किया कि एडवर्टीजमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर टाइम या मीडिया क्या रहेगा कौन सा मीडिया सबसे अच्छा रहेगा और कौन सा टाइम परफेक्ट रहेगा अपनी एडवर्टीजमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए जब एडवर्टीजमेंट एग्जीक्यूट होगी तो उसे फॉलोअप किया फीडबैक के लिए जिसमें ये मेजरिंग की कि एडवर्टाइजिंग मैसेज की इफेक्टिवनेस कैसे रही ये एडवर्टाइज़र को हेल्प करता है ये चेक करने के लिए कि उसकी एडवर्टीजमेंट का जो भी ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हुआ या नहीं फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि ये एक फ़ी चार्ज करती है अपनी सर्विसेज के लिए सर्विसेज जो अभी हमने यहाँ पे स्टडी की कि डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज होती है कोई एडवर्टाइज़र चाहे तो वो सिर्फ इतना कह सकता है एजेंसी से कि हमें सिर्फ प्रपेयर करवाना है एग्जीक्यूट हम खुद कर लेंगे कोई ये चाहेगा कि एग्जीक्यूट भी कर दो प्रपेयर भी कर दो फॉलोअप हम खुद ले लेंगे तो जो भी वो सर्विसेज ले रहे हैं एडवर्टाइज़र उसके बदले में एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक फीस लेती है एडवर्टाइज़र से चार्जेस यहाँ पे किस तरह के हो सकते हैं सर्विसेज जो कि मैंने आपको बताया किस किस तरह के हो सकते हैं प्रेपरेशन करवानी है एग्जीक्यूशन करवाना है फॉलोअप करवाना है इस तरह की एन नंबर ऑफ़ सर्विसेज होती हैं तो जो भी सर्विस एडवर्टाइज़र को चाहिए उस सर्विस के बदले में वो फीस चार्ज करेगी दूसरा है ब्रांड नेम ऑफ द एजेंसी अगर काफ़ी पॉपुलर एजेंसी है कोई जिसके पास क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं जिसकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं तो वो एक नॉर्मल एजेंसी के मुकाबले अपनी फ़ीस ज़्यादा रखेगी तीसरा है पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द एडवर्टाइजिंग एजेंसी अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं जैसे कि उसने अगर तीन चार कंपनीज़ के लिए अपनी एडवर्टीज़मेंट निकाली थी और वो एडवर्टीज़मेंट से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ उनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई प्रॉफ़िट बढ़े तो बाकी एडवर्टाइज़र भी चाहेंगे कि हम अपनी एडवर्टीज़मेंट इसी कंपनी से करवाएँ तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के चार्जेज़ में क्या क्या सर्विसेज़ एडवर्टाइजिंग एजेंसी देने वाली है उसके हिसाब से वो फ़ीस चार्ज करते हैं उसके बाद ब्रांड नेम कैसे है उसकी पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा है उसके हिसाब से चार्जेस होंगे और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कितना ज़्यादा अच्छा है उस हिसाब से वो एडवर्टाइज़र से पैसे चार्ज करेंगे तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपकी कोई क्वेरी है इस वीडियो या फिर किसी भी टॉपिक के लिए तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं वहीं पे आपको रिप्लाई करके या फिर अलग से वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू